तो डॉग डोमेस्टिकेटेड कब हुए ये बहुत बड़ा चर्चे का विषय। ऐसा कहा जाता है कि ये जो घटना हुई होगी ये 30,000 साल के बीच में हुई होगी। लोग शिकार करते थे, कैंप के आसपास जो शिकार बसता था उसके आसपास जो वुल्फ होते थे वो उसको खाते थे। तो धीरे धीरे उस टाइम के जो ह्यूमंस थे और जो वुल्फ थे उनका इंटरेक्शन बढ़ने लगा और फिर ह्यूमन को भी समझा कि वुल्फ कैसे अपने लिए फायदेमंद है, वो कैसे दूसरे बड़े जानवर को कैंप से दूर भगाते हैं। तो ह्यूमन के घर में रहने लगे, उनके कैंप्स में रहने लगे, फिर ह्यूमन स्पेशली उनको फीड करने लगा, फिर शिकार के लिए वो अलग ब्रीड डॉग की बनाएगी, फिर किसी बर्फ में शिकार करना हो तो अलग ब्रीड बनाएगी। तो इस प्रकार से डॉग की ब्रीडिंग जो है वो फैलती गई और रिसेंटली 200-300 सालों में डॉग की बहुत ब्रीडिंग हुई और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। और लोग अभी जो डॉग्स अपने घर पे रखते हैं वो किसी को स्टेटस सिंबल रहता है, किसी को अपना संरक्षण के लिए रखते हैं, किसी को प्यार चाहिए होता है। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट से अलग अलग डॉग की प्रजातियां लोग बनाते गए।